वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं डी के सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। आज का जो क्लास है, बेसिकली उस क्लास में आप एक हेडिंग देख रहे होंगे जिसमें हमने POAC पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए जो चीज़ें थी उसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास की जो हिस्ट्री थी मैं उसको बता दूँ, उसमें हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ लिया था एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हम कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, डबल रिएक्टेंट विथ वन गिवन क्वांटिटी एंड डबल रिएक्टेंट विथ टू गिवन क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन, इस तरह के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है वो सबके लिए अप्लीकेबल है। एटॉमिक कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है, POAC है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब इस कंसेप्ट की हेल्प से हम दुनिया के सारे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो बैलेंस हो या नहीं हो, या हम जिसके लिए सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हो या नहीं हो। क्या इसमें चीज़ें ज़रूरी है आप समझोगे। अगर मैं बात करूँ POAC का, तो ये होता है बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एटम। समझ में आ रहा है कि इस पर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एटम, ठीक है, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इस कंसेप्ट को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दोनों जगह यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होना चाहिए। कंडीशन की मैं बात बता दूँ आपको। जिस एटम के लिए हम POAC लगाएंगे वो पूरी तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि कोई रिएक्शन हुई जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये होना चाहिए कि पूरी तरह से हाइड्रोजन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना चाहिए, तभी POAC लगाओगे ना भाई। एटम्स दोनों साइड के कंजर्व कब होंगे? जब रिएक्टेंट साइड से पूरी तरह से प्रोडक्ट साइड में वो एलिमेंट चला जाए। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जिस एटम के लिए हम कंजर्वेशन लगाएंगे वो पूरी तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना चाहिए। क्लम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको नोट कर लेते हैं, इस पॉइंट को नोट करिए। सभी लोग लिखोगे कंसेप्ट ऑफ POAC, कॉपी में नोट करो, कंसेप्ट ऑफ POAC इज अप्लीकेबल ऑन दैट एटम विच इज कंप्लीटली consumed during the course of reaction. क्लियर हो गया कि नहीं है? एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एटम विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिवेन इन द प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये बात समझ में आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने दिया। मैंने कहा हमारे पास बेटा KClO3 है, KClO3 बार बार तुम्हारे सामने आ रहा है। अब हमने इसको कहा कि ये KCl और ये O2 ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? KClO3 को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो ये KCl+O2 में ही जाएगा और ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन्स अगर मैं बात करूं कि अप्लाई POAC, तो पहले हम अप्लाई करेंगे किसके लिए बेटा? अगर हम पहले अप्लाई करें किस पे, मतलब किसी एलिमेंट के लिए, पोटेशियम के लिए बात, अप्लाई POAC फॉर, मैं K की बात करूँ, पोटेशियम की बात करूँ। सब लोग ध्यान से देखोगे बोर्ड की तरफ,
बिल्कुल बोर्ड की तरफ आ जाओगे। बहुत प्रॉब्लम हो तो मैं वहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ इसको। अब अगर हम पोटेशियम के लिए इसको लगाना चाहेंगे के लिए, तो के एक तो हमको यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से मिल रहा है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। मतलब के जितने एटम रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड होगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एटम मीन्स एटम्स नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय वाले कंसेप्ट पे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जितना रिएक्टेंट साइड के एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड के एटम होंगे। मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ के इन रिएक्टेंट will be equal to number of atoms of K in product। है बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझोगे तभी कर पाओगे। मतलब रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड K का जो एटम होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? अगर मैं कहूँ कि आपको मोल्स दिया है, तो मोल्स ऑफ KClO3 into Na, ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल हुआ ना। अरे मोल्स ऑफ KClO3 इंटू Na, इसका मॉलिक्यूल किसका? KClO3 का। अब अगर हमें पोटेशियम का एटम निकालना है तो इसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, और ये कितना होगा? मोल्स ऑफ KClO3 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, K का 1 दिख रहा है ना, बोलो देख लो 1 है K का यहाँ। अब देखो इधर हम आ जाएँ, मोल्स ऑफ KCl इंटू Na इंटू 1, यहाँ भी करेंगे देख लो 1 है। तो तुमको देखोगे Na से Na कैंसिल हो गया ना, तो तुम्हें क्या दिखा? मोल्स ऑफ KClO3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ क्या बेटा? KCl। देखो कितना अच्छा रिलेशन हमें निकल के आ गया। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। अब दूसरा कौन है? मैं कहूँ कि अप्लाई फॉर ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए अगर अप्लाई करने की बात करें तो अप्लाई करो, ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो जगह पे है ना ऑक्सीजन, देखो ध्यान से इधर, ऑक्सीजन यहाँ है और ऑक्सीजन यहाँ है। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के एटम के बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम निकालूँ तो क्या होगा? मोल्स ऑफ KClO3 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ थ्री, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड जाओगे तो मोल्स ऑफ O2 इंटू Na इंटू 2 होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ? किसी का भी मोल्स अगर तुम्हें निकालना है तो यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर, एंड मोल्स ऑफ KClO3 विल बी इक्वल टू क्या? 2/3 मोल्स ऑफ O2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बेटा। तो हमें बैलेंस हो इक्वेशन, नहीं हो, कुछ भी हो, इसमें आपको सिर्फ इस एप्लीकेशन को यूज करके बिना बैलेंस किसी भी रिएक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए फटाफट सभी लोग। चलिए आगे बढ़ें। अब एक आध एग्जांपल्स और भी हम लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ H2S plus HNO3 ये देगा NO, ठीक है ना? एक तो NO देगा और दूसरा देगा सल्फर और तीसरा देगा वाटर, फिर देगा S plus H2O। समझ में आ रहा है? बोलो बेटा क्या देगा? NO देगा, सल्फर देगा और वाटर देगा। इसको हमने कहा कि ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है? एग्जांपल 2 इसको लो। अब यहाँ मैं कहूँ कि अप्लाई POAC की मैं बात करूँ, है ना बेटा? POAC कैसे अप्लाई करोगे? देखोगे यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करें, अप्लाई POAC फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, मींस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो पहले मोल्स ऑफ H2S
इंटू कितना एन ए इंटू एटोमिसिटी हाइड्रोजन की टू प्लस करोगे, यहाँ वाले हाइड्रोजन को भी जोड़ना पड़ेगा ना। देखो ये पूरा रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के एटम के बराबर होगा, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों जगहों के हाइड्रोजनों के एटम को ऐड करोगे तभी तो ये यहाँ के बराबर होगा। यहाँ का एटम कितना होगा, मोल्स ऑफ H2S प्लस इंटू एन ए इंटू टू दैट इज एटोमिसिटी प्लस क्या होगा, मोल्स ऑफ HNO3 इंटू एन ए इंटू कितना बेटा वन विल बी इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ H2O इंटू एन ए इंटू टू करोगे कि नहीं करोगे। एन ए से एन ए पूरा कैंसिल हो गया हर जगह से, तो ये क्या बनेगा NH2S इंटू टू, यानी कि टू इंटू मोल्स ऑफ H2S विल बी प्लस प्लस मोल्स ऑफ HNO3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O ट्वाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे यहाँ से आ जाएगा, क्लियर हो गया। बोलो अब हम बात करते हैं, मैं कहूँ दूसरी बात कहूँ, ये पहला था, अब मैं कहूँ कि अप्लाई POAC फॉर ऑक्सीजन, है ना बेटा। अगर हम ऑक्सीजन के लिए POAC की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे, ये कितना बराबर होगा, मोल्स ऑफ HNO3 इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ NO इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है प्लस यहाँ पे क्या करोगे, मोल्स ऑफ H2O इंटू एन ए इंटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी कितनी है देखो यहाँ से O का 1 है ना, यहाँ से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो भी हो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि POAC अप्लाई करो नाइट्रोजन के लिए, अगर मैं ऐसे कहूँ कि अप्लाई द POAC फॉर नाइट्रोजन, है ना, अगर मैं कहूँ कि अप्लाई POAC फॉर नाइट्रोजन, तो इसमें आप क्या करोगे, नाइट्रोजन के लिए POAC निकालने के लिए देखोगे नाइट्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे है, मीन्स ये होगा मोल्स ऑफ HNO3 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी इसका कितना 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ क्या बेटा NO इंटू NA इंटू एटोमिसिटी कितना 1। तो इस तरीके से जिस तरह से आपसे न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन पूछी जाए, क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी पूछी जाए, यू में सॉल्व द क्वेश्चन बाई अप्लाइंग क्या बेटा POAC। ये तो रहा थ्योरेटिकल एनालिसिस, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस सबको सही से नोट करो अपने कॉपी में, है ना, फटाफट नोट करिए आप लोग। चलो चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ऑब्टेन ऑन हीटिंग 6 मोल्स ऑफ KCLO3। पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, मैं कहूं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैलकुलेट द मास ऑफ CaO ऑब्टेंड
बाय हीटिंग 200 ग्राम CaCO3। दो क्वेश्चन नोट करोगे फटाफट, ठीक है? इन दो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। बोलो बेटा, इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी लोग देखोगे बोर्ड की तरफ, कैसे सॉल्व करोगे भाई? आप तुरंत फटाफट एक नॉर्मल मूल कंसेप्ट से कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि KCLO3 जो कि KCl प्लस O2 के बराबर होगा ना। अब पोटेशियम को क्या करें, आपसे क्या पूछा जा रहा है? O2 पूछा जा रहा है ना। तो O2 यहाँ है, O2 यहाँ है, तो O2 पे अपने अप्लाई करना पड़ेगा ना। देखोगे ये K पे अप्लाई करने और क्लोरीन पे अप्लाई करने समय रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस ये टर्म आने के लिए ऑक्सीजन इधर है, इधर ऑक्सीजन कहाँ है? इसी में है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, अप्लाई POAC फॉर क्या बेटा, ऑक्सीजन। और इसका रिजल्ट क्या होगा, मोल्स ऑफ KClO3 into बेटा 3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl इंटू Na, ओ सॉरी, मोल्स ऑफ O2 इंटू Na इंटू 2 करोगे। फिर यहाँ से अगर मैं Na कैंसिल हो गया, अब मोल्स ऑफ O2 की बात करें तो क्या होगा, मोल्स ऑफ KClO3 बोलोगे इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो ये कितना होगा, मोल्स ऑफ KClO3 कितना दिया, 6, तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 9 मोल्स। कितने मोल्स आ गए बेटा, 9 मोल्स आ गए। समझ में आ गया, बोलिए एनी डाउट? नहीं ना, चल आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखें। दूसरे वाले क्वेश्चन में CaCO3 CaO प्लस CO2 कर दें। बोलो बेटा यहाँ पे कितना है, 200 ग्राम है ना, तो 100 से डिवाइड करके 2 मोल्स कर लो। अब हम इन दोनों में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, जब कैल्शियम को क्या करें, यहाँ पे कैल्शियम को कर ले, कैल्शियम दोनों साइड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई POAC फॉर कैल्शियम। ये क्या होगा, मोल्स ऑफ CaCO3 इंटू Na इंटू 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CaO इंटू Na इंटू 1। मीन्स ये सब कैंसिल हो गए और ये होगा मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaO। तो मोल्स ऑफ CaO कितना होगा, 2 हो जाएगा। सो हमें एक तो मोल्स पता चल गया। अब अगर मास पूछ रहा है या वेट पूछ रहा है तो मास क्या होगा, मोलर मास इंटू मोल्स n, और मोलर मास होता है कैल्शियम ऑक्साइड का 656 इंटू 2, ये होगा 112 ग्राम। इस बात को आप समझ लोगे, समझ में आ गया? बोलिए आगे समझ में, इन क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए आप लोग। चलो बेटा रफ करते हैं इसको, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। लिखोगे क्वेश्चन को, 27.6 ग्राम K2CO3 is treated with series of reagent, and all atoms of carbon
एटम्स एंड लगा लोगे, ऑल एटम्स ऑफ कार्बन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, समझ लोगे सीरीज ऑफ के साथ रिएक्शन किया, इसका कार्बन पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे दिया। वो प्रोडक्ट क्या है, K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, और ये है K2CO3, ऐसा बोला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। देन कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, देन कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन है हमारा, आप बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे, बोलिए। K2CO3 दिया है ना, बोलो कैसे करोगे भाई। के लिए POAC लगा सकते हैं हम, C के लिए POAC लगा सकते हैं ना। क्या कह रहा है, ऑल एटम्स ऑफ कार्बन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कार्बन पे दे दिया है, बाकी पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम लिख सकते हैं अप्लाई POAC फॉर कार्बन। ये सॉल्यूशन का पार्ट है, क्वेश्चन तो एक लाइन में सॉल्व होगा, बोलो। अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन कितने हैं देखोगे, मोल्स ऑफ K2CO3 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी 1, यहाँ पे होगा मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, कार्बन का कितना है 2, 6 12 इंटू 1 12, यहाँ पे 12 कर दो। बस समझ आ रही कि नहीं आ रही, बोल बेटा। NSNA कैंसिल, अब यहाँ से मोल्स ऑफ K2CO3 क्या होगी, वेट कितना दिया है 27.6 डिवाइड बाई स्मॉलर मास 39 इंटू 2 78 प्लस 60, बस सुन मैरिक नहीं आ रही, ये होगा इंटू 1 विल बी इक्वल टू N K2ZN3 क्या बेटा FeCN6 होल ट्वाइस और इंटू 12 होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम सिर्फ हम इसको निकालें इंटू 12 होगा ना, तो अगर सिर्फ मोल्स हम इसका निकालें तो 12 से इसको डिवाइड कर दो, ये कितना बैठेगा 27.6 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखोगे 0 होगा 8 होगा, यहाँ पे होगा 13 होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम देखोगे ये 0.2 होगा ना, बोलो 0.2 होगा ना, बोलो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 0.2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, ठीक है, इंटू 12। तो मोल्स निकाल दो K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस का, ये कितना होगा 0.2 डिवाइडेड बाई 12, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मास कितना होगा, मास होगा 0.2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू मोलर मास GMM, और ग्राम मॉलिकुलर मास इसका निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है भाई। जिंक है ना 63, 64 इसका होता है, इसका 54 होता है, कार्बन का पता है, नाइट्रोजन पता है, आप निकालो ना इसका मोलर मास और मल्टीप्लाई कर दो, सीधे मास निकल जाएगा, क्लियर हो गया, बोलिए। तो एक स्पेशल एडिशनल टॉपिक था जिसको हमने कवर किया, आगे बढ़ेंगे हम लोग एनालिसिस ऑफ मिक्सचर एंड सैंपल बेस्ड प्रॉब्लम, पहले इसको नोट करो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा आगे बढ़े, चलो।
अब हम बात करेंगे, एक हमारा न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कहेंगे परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स। परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम, समझ में आ गया क्या है परसेंटेज प्योरिटी? मैंने कहा कि NaOH ठीक है, हमने कहा सैंपल ऑफ NaOH, समझना। पहली केस में हमने कहा NaOH, दूसरे में कहा हमने सैंपल ऑफ NaOH, तो इस बात का समझना। सैंपल ऑफ NaOH का मतलब होगा कि अगर सिर्फ NaOH दिया है तो 100% प्योर होगा, सिर्फ NaOH ही होगा, 100% होगा। लेकिन सैंपल ऑफ NaOH दे दिया ना, तो हो सकता है इस NaOH में कुछ इम्प्योरिटी भी हो। इस बात को ध्यान से सुनो, क्या सुनना है आपको? अगर सिर्फ NaOH दिया जाए तो NaOH का मतलब होगा कि ये प्योर पूरी तरह से प्योर होगा, शुद्ध होगा और NaOH ही होगा इसमें। लेकिन अगर सैंपल ऑफ NaOH की बात कही जाए तो सैंपल ऑफ NaOH का मतलब इसमें 100% प्योरिटी नहीं होगी। हम इसको 100% प्योर NaOH कह सकते हैं, लेकिन इसको हो सकता है 80% कहें, या हो सकता है 70% हो सकता है 60% हो। तो इसके अंदर एक इम्प्योरिटी भी होगी। क्या होगी? इम्प्योरिटी भी होगी। यहाँ भी क्या होगा? इम्प्योरिटी होगी, ठीक है ना? यहाँ भी क्या होगा? इम्प्योरिटी होगी, समझ में आया? अब सैंपल ऑफ NaOH 100% प्योर में यहाँ पे जीरो इम्प्योरिटी होगी, लेकिन सैंपल की हम बात करें, सैंपल ऑफ NaOH और कहते हैं 70% प्योर। मींस समझोगे इसका मतलब क्या होगा, इस बात को समझना है। मींस ये होगा कि एक हमारे पास NaOH का सैंपल है, ठीक है, क्या है सैंपल ऑफ हमारे पास NaOH है जो कि सिर्फ 70% प्योर है, तो इसमें इम्प्योरिटी कितनी होगी? आपको मालूम है 30% का होगा। इस बात को हमें समझना है, समझ में आ गई कि नहीं बात? 70% क्या होगी प्योरिटी और 30% क्या होगी इम्प्योरिटी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, ये बात समझ में आ गई? मतलब कोई सैंपल दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से 100% प्योर हो। सैंपल के केस में इम्प्योरिटी भी होती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर कोई सिर्फ NaOH कह दे तो NaOH तो 100% होगा, लेकिन सैंपल ऑफ NaOH कहे तो इम्प्योरिटी को भी ऐड करेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इनके रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन ऑफ सैंपल, रिएक्शन ऑफ सैंपल की हम लोग बात करते हैं। इस बात पे तुम लोगों को नज़र दौड़ाना पड़ेगा कि रिएक्शन ऑफ सैंपल से क्या मतलब है। हमने कहा सैंपल ऑफ NaOH रिएक्ट विथ HCl। एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा हमने लिया, सैंपल ऑफ NaOH रिएक्ट विथ HCl, मतलब यहाँ NaOH होगा जो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा होगा और NaCl प्लस वाटर दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। ध्यान से देखो इसको, ये तो सैंपल है ना, तो अगर हमने कहा कि इस तरह से हम कह दें कि 80 ग्राम है हमारे पास, या ऐसे कह दें, हमने कहा कि ये 60 ग्राम है, 60 ग्राम सैंपल है, तो अब इसके रिएक्शन को देखना होगा। इस रिएक्शन में NaOH का सिर्फ प्योर पार्ट रिएक्ट विथ HCl, इस बात का ध्यान रखना है। जो रिएक्शन होता है केमिकल, वो सिर्फ प्योर पार्ट का होता है, इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए हम परसेंटेज इम्प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, ये बात समझ में आ रहा है?
तो एक काम करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन तुमने समझ लिया हो तो हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। इतने अगर इन्फॉर्मेशन नोट कर लिया हो तो हम लोग पॉइंट्स नोट करते हैं। पॉइंट नोट करोगे, लिखोगे एनी गिवन सैंपल मे नॉट बी 100% प्योर, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ स्टोन डस्ट ईटीसी unless otherwise mentioned। नेक्स्ट लाइन से लिखोगे इम्प्योरिटीज इन एनी सैंपल आर एज्यूम टू बी इनर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मीन्स अब हम तुम्हें बता दें कि कोई सैंपल है तो इस सैंपल में प्योर प्लस इम्प्योर दोनों होगा, प्योरिटी रिएक्ट करेगा और इम्प्योरिटी इनर्ट होगा। इस बात को आपको समझ लेना है। ख़त्म हो गया, बस यही कहानी थी। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको पूछना है हम लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम लोगों को क्वेश्चन करना है, इसको फटाफट नोट करो, समझो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो रफ करें, लिखोगे क्वेश्चन, लिखोगे 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl इज गिवन विच इज 70% प्योर। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl विच इज 73% लिख लो बेटा, थोड़ा आसान हो जाएगा, 73% प्योर। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज HCl सैंपल। देखते हैं कितने लोग कर पाते हो, ट्राई हो रहे, करिए भैया, खुद से सॉल्व करिए इसको। अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने, चलो कैसे करोगे इसको देखते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, सजेस्ट मी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, एनीवन? चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2, ये कितना है 200 ग्राम, बट 73% है ना, तो एग्जैक्ट इसका कौन सा वेट इसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो निकालना पड़ेगा ना, तो 200 × 73 / 100 कर दें,
कितना होगा? 146 होगा। बोलिए भाई 146 आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर हम यहाँ से देखें तो वेट ऑफ प्योर HCl इन सैंपल कितना होगा? बोलो इन सैंपल कितना होगा? 146 ग्राम। सो मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ HCl कितना होगा? 146 डिवाइडेड बाई 36.5, 4 होगा कि नहीं होगा? बोलो मोल्स कितने आ गए? 4 आ गए। बोलो बेटा, अब अगर मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई? बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, लिख सकते हैं मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 1। 1-1 से डिवाइड करके मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से पूछें तो मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा? ये होगा 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो ना, 4 HCl का इतना है तो उतना ही तो NaOH का होगा। अब अगर आपसे मास पूछे तो मास ऑफ NaOH कितना होगा? बोल बेटा, ये होगा 4 इंटू स्मॉलर मास, दैट इज़ 40। 160 ग्राम किसकी ज़रूरत पड़ेगी? NaOH की ज़रूरत पड़ेगी। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ गया? बोलिए, नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन को हम लोग को डिस्कस करना है। चले आगे बढ़े। बोलो बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें आखिरी जो टॉपिक कवर करना है, इसी में क्वेश्चंस के फॉर्म में ही करते हैं। पहले क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखते हैं। लिखते हैं हम लोग 50 या ऐसे लिख लो 75 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 17.5 ग्राम O2, देन कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जेई में इस तरह के खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लोगे, कह रहा है 75 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 17.6 ग्राम O2, देन कैलकुलेट प्योरिटी ऑफ, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। सैंपल की प्योरिटी कितनी है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख रहा हूँ आप कैसे कर सकते हो भाई। चलो, आप क्वेश्चन को देख के वीडियो पॉज करना। पॉज करने के बाद अगर तुमको पीछे के कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तो ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर मैच कराना, जैसे मैं कहूँ कि ये CaCO3 है, सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं, तो CaCO3 CaO प्लस CO2 में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लियर हो गया? अब आपसे अगर हम बात करें, ये CO2 कर लेना बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, एक मिस्टेक है इसमें, इसको करेक्ट करोगे बेटा, CO2 होगा, O2 नहीं होगा। अब मैं अगर पूछूँ ये कितना है, 17.6 ग्राम है ना, इसको डिवाइड करो 44 से, तो कितना होगा? 0.4 होगा क्या? देख लोगे? क्लियर हो गया? मतलब तुमको मोल्स ऑफ CO2 कितना मिल गया? 0.4। अब मोल्स ऑफ CO2 से हम मोल्स ऑफ CaCO3 निकाल सकते हैं क्या? तो यहाँ से लिख सकते हैं मोल्स ऑफ
CaCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, क्यों? दोनों के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट बैलेंस रिएक्शन है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट सेम है, तो पागल होने की ज़रूरत ही नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है ना यार, बोलते नहीं हो तुम लोग यार। तो आगे हम लोग बढ़ जाएं, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आ गया, 0.4। तो इसका मास कितना होगा, मास ऑफ CaCO3 कितना होगा, 0.4 इंटू 100 कितना, 40। अब देखोगे सैंपल कितना है, सैंपल कितना है बोलो, सैंपल हमारा है 75, तो परसेंटेज प्योरिटी विल बी होता है रिएक्टेड पार्ट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100 इनटू 100। आ रही बात समझ में, इनटू 100 कहते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट हासिल होगा, यहाँ से हासिल होगा कि परसेंटेज प्योरिटी विल बी इक्वल टू रिएक्टेड पार्ट कितना है 40 और सैंपल का मास कितना है 75 इंटू कितना 100, 160 डिवाइड बाय 3, %53.33। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये है परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी। कई बार इम्प्योरिटी का भी परसेंटेज पूछ सकता है, परसेंटेज इम्प्योरिटी भी पूछ सकता है, वो कितना होगा 100 माइनस 53.33। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये भी देखिएगा। बोलिए बेटा आगे बात समझ में है ना, नोट करो इसको।